हेलो जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं जो है लेकर के आया हूँ आपके लिए नीट एग्जाम के लिए बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी जो है हम लोग डील कर रहे थे, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर हुआ था, सेकंड लेक्चर लेकर के आज हम आए हैं। द लिविंग वर्ल्ड का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लिविंग प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी में हम लोगों ने ग्रोथ को देखा है। ठीक है, आज हम लोग डील करेंगे किसको, रिप्रोडक्शन को। किसको डील करेंगे, रिप्रोडक्शन को। ठीक है, तो ये जो वीडियो है नीट एग्जाम के लिए और जो 11th के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही क्या है, बेनिफिशियल है। ठीक, तो वीडियो में बने रहिए आप लोग और आपको हर एक चीजें बहुत सिंपल तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर का, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, रिप्रोडक्शन मीन्स होता है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी हो, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोजनी। क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोजनी। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी इट्स ऑल लाइक, किसके जैसा, अपने जैसा, पड़ोसी के जैसा नहीं। ठीक है, पड़ोसी का मतलब इन द सेंस है क्या, कुछ लोग समझ रहे हो कि अपने पड़ोसी, नहीं, पड़ोसी का मतलब यहाँ पे स्पीसी चेंज नहीं होनी चाहिए, किसके जैसा होना चाहिए, सेम स्पीसीज के जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग से जो है क्या आ गया, एलिफेंट का, ठीक है, और डॉग से क्या आ गया, हॉर्स का, ऐसा नहीं है। ठीक है, डॉग से हॉर्स का बेबी या हॉर्स से जो है डियर का बेबी, ऐसा नहीं। हॉर्स से हॉर्स का ही बेबी है, डॉग से डॉग का ही बेबी है, एलिफेंट से एलिफेंट का ही बेबी है, ह्यूमन बींग से ह्यूमन बींग का ही बेबी है। ठीक है, तो किसके जैसा, इट्स ओन लाइक। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। द रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस या प्रोजनी, किसके जैसा, इट्स ओन लाइक, तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की जैसे ही हम लोग बातचीत करते हैं तो माइंड में हमारे आता है तुरंत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजनी प्रोड्यूस होती है वो होती है गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट फ्यूजन, यानी कि फर्टिलाइजेशन जायगोट फॉर्मेशन के द्वारा होती है। ठीक, अब इसमें जो प्रोजनी प्रोड्यूस होती है वो हो सकती है पेरेंट से कम या ज्यादा जो है वेरिएशन शो करे, या कम या ज्यादा सिमिलरिटी भी शो कर सकती है। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेरिएशन शो करेगी विथ रिस्पेक्ट टू दियर पेरेंट्स। ठीक, बट इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर वो कर रहे हैं तो गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन हो रहा है। जो पेरेंट बॉडी है वो डायरेक्ट प्रोड्यूस कर रही है यंग वंस को, और जो यंग वंस प्रोड्यूस होगा, जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी वो किसके जैसी होगी, अपने पेरेंट की जैसी होगी, एग्जैक्ट कॉपी होगी। ओके, तो मेनी एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा जो है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला एल्गी और फंजाई में। और बडिंग, बडिंग का मतलब है कि जैसे मान लो ये कोई ईस्ट है, ईस्ट में जो है आउटर सर्फेस पर या जो है ईस्ट की बॉडी में अनइक्वल सेल डिवीजन हुआ, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन गया, छोटा स्ट्रक्चर डेवलप करके मेच्योर होकर बड का फॉर्मेशन करता है, मेच्योर होने के बाद गिर जाता है सबस्ट्रेटम पे और ग्रो करके नया ईस्ट बना लेता है, इसको हम बोलते हैं बडिंग। तो बडिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा एंड ईस्ट। रीजनरेशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे प्लेनेरिया है उसके बॉडी के कई सारे फ्रेगमेंट्स हुए और हर फ्रेगमेंट्स ग्रो करके न्यू प्लेनेरिया की बॉडी बना रही है, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जो फिलामेंटस एल्गी हो या फंजाई हो या प्रोटोनिमा ऑफ मॉस हो, जब वो ब्रेक हो जाते हैं किसी कारणवश उनके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, तो वो फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, अपने आप को ग्रो करके नया जो है इनका ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, नया एल्गी फंजाई और प्रोटोनिमा ऑफ मॉस होना, जिसका फ्रेगमेंट उसका जो है न्यू ऑर्गेनिज्म वाला बर्ड। ठीक है, अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी रिप्रोडक्शन होता है, बट जोन में रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली होता है बाइनरी फिजन के द्वारा। ठीक है, और बाइनरी फिजन एक प्रकार का सेल डिवीजन है, सिंपली माइटोसिस टाइप का। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। एनसीईआरटी कर रही है, बहुत ध्यान से इस लाइन को पढ़िएगा, समझिएगा, मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि इनके साथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ है बोथ आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, बिकॉज इन बोथ केसेस नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ सेल का बढ़ना यानी कि ग्रोथ, नंबर ऑफ सेल यहाँ पे बढ़ना यानी कि सीधे सीधे क्या बढ़ना, ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ गया यानी कि क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। इसका एग्जांपल आपको देखने में मिला गया बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे मान लो हमने 5 बैक्टीरिया लिया किसी कल्चर मीडियम में, देखते देखते 18 से 20 मिनट में वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करके बाइंडिंग फ्यूजन करके 10 नंबर में हो गए, तो नंबर का जस्ट क्या हो गया, डबल हो गया विद इन 20 मिनट्स। तो यहाँ पे जो
नंबर का इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे ग्रोथ भी होती हुई दिख रही है, और बैक्टीरिया का नंबर बढ़ा है, यानी कि बैक्टीरिया ने रिप्रोडक्शन किया होगा तभी इसका नंबर बढ़ा है। ठीक, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ऐसी बात है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। इस बात को आपको समझ जाना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी ये बात। लेकिन वही एनसीईआरटी कह रही है कि मेनी ऑर्गेनिज्म अनेबल टू क्या रिप्रोड्यूस, सभी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसका मतलब कुछ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। कौन? इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। बहुत से ऐसे कपल्स जो है आपके आसपास सराउंडिंग में देखने को मिलते हैं कि वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, हो सकता है उनमें कोई प्रॉब्लम होगी। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में थोड़ा पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, ठीक है, इसके बारे में। स्टराइल वर्कर बीज, ठीक है, ये तो कभी नहीं करती हैं बेबी प्रोड्यूस। और म्यूल जो डंकी और हॉर्स के कॉम्बिनेशन से बना इंटर स्पेसिफिक स्पीसीज है, और इससे जो है क्या कभी भी क्या नहीं बेबी प्रोड्यूस नहीं हो सकता, यानी कि इन तीनों में क्या है मामला टाइटाफिस है, ये कभी भी बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन के एक्सेप्शन है। इसलिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं है कौन, रिप्रोडक्शन एंड एज वेल एज क्या ग्रोथ, दोनों ही क्या है एक्सेप्शन, दोनों में ही देखे गए। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी अपने पास वो क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटाबोलिज्म। क्या है बेटा? मेटाबोलिज्म।